नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में भी जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री, सांसद, विधायक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित मिनी स्टेडियम में 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री रामध्वज साहू, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक अरुण वोरा, संभागीय आयुक्त महादेव कावरे, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, निगम स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी व नगर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों ने यहाँ पर जागरूकता का परिचय देते हुए योग किया। इस मौके पर योग गुरु कल्पना के निर्देशन में डॉक्टर नम्रता ने सभी को योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास भी कराया। इस मौके पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन में मुख्य अतिथि रहे गृह मंत्री रामध्वज साहू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुरातन काल से किसी न किसी रूप में हम योग करते आ रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने योग जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि करे योग रहे निरोग की युक्ति को हम सभी को सार्थक करना है। योग दिवस है और यहाँ आयोजन किया गया, हम सब सम्मिलित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी भारतवर्ष की पुरानी जो जीवन शैली है, उसमें सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम हम करते थे, एक प्रकार से योग से जुड़ा हुआ होता था। चाहे खेत खलिहान जा रहे हैं, पैदल झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जीवन शैली योग से जुड़ी हुई होती थी। लेकिन वर्तमान में हमारी जीवन शैली बदल चुकी है। सुबह से रात तक जो हम लोग अपनी दैनिकचर्या करते हैं, उसमें योग को इसीलिए शामिल करना आवश्यक हो गया है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, हम अच्छे से योजना बना पाएंगे, सोच पाएंगे, काम कर पाएंगे। और करें योग तो रहें निरोग की युक्ति को सार्थक करते हुए हम सबको योग को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और प्रतिदिन योग करना चाहिए, ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से शरीर जो अस्वस्थ होता है, उससे हम मुक्त पा सकें। इस अवसर पर सभी नागरिकगण जो उपस्थित हुए, अधिकारीगण जो उपस्थित हुए, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए, आप सब उपस्थित हुए, सबको बधाई और आग्रह की इसे अपने जीवन में योग को अपनाएँ। कल की 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को और मेरे दुर्ग लोकसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अनुरोध भी करता हूँ आप सब योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। हमारे देश के जो आदि और अनंत काल से चली आ रही है परंपरा है योग, जिसे साधु संतों ने अपनाया और हम सबको ये जानकारी भी है, हमने वेद पुराणों में पढ़ा भी है योग का कितना महत्व है। योग के कारण ही अनेक साधु संत 400-500 वर्ष को की जीवन जिया करते थे और उससे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन भी होता है। आज हमारा सौभाग्य इस देश के योग को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व तक पहुँचाया, विश्व के पटल पर रखे और पूरे विश्व के लोगों ने इसको आत्मसात किया। स्वामी रामदेव जी ने इसको ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि सबने इसको सराहा और आत्मसात किया। एक अलग रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, एक क्रांति ला दी योग की और उसी क्रांति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में फैला दिया। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं फिर से एक बार बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज हमारी जिला स्तरीय इस योग दिवस पर हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज जी थे, माननीय विधायक अरुण बोरा जी थे, जिला पंचायत की पुष्पा यादव, जिला पंचायत की योगिता जी, सभी अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और शिक्षा विभाग, सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे। सामान्य जन भी यहाँ उपस्थित थे, बहुत सारे अहदेदार सम्मानीय जन भी उपस्थित थे और आप सब पत्रकार बंधु भी, जिन्होंने इस योग को एक नई ऊंचाई दी। आपके माध्यम से ही जन जन तक ये योग पहुंचा है, ये निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है, आप लोग कर रहे हैं। मैं आप सबको फिर से एक बार बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।